नमस्कार दोस्तों, अपना किया कराया अंत में सबको याद आएगा, अतीत स्वयं को स्वयं दोहराएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का 19 अक्टूबर दिन शनिवार कैसा रहने वाला है, आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली है, तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कुंभ राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज शनिवार है, शनिदेव महाराज का दिन है। दोस्तों कॉमेंट में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें। अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग की। आज का पंचांग है 19 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार। आज की तिथि है द्वितीया। आज का नक्षत्र है वर्णी नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे। सुबह 6:24 पे सूर्यदेव अस्त होंगे, शाम 5:40 पे। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 10:15 से सुबह 11:40 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का शुभ समय है सुबह 7:10 से सुबह 7:55 तक। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 9 और लकी कलर है गुलाबी। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, समझदार होने के बाद भी मूर्ख कहलाते हैं ऐसे लोग। जी हां दोस्तों, ध्यान रहे, ऐसे लोगों को भी मूर्ख ही समझा जाता है, जो पहले कोई भी काम शुरू कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा। ऐसे लोगों को जीवन में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों जो लोग दूसरों से बदतमीजी से बात करते हैं या फिर हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं, ऐसे लोगों को भी कोई सम्मान नहीं मिलता। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत अधिक ज्ञानी समझता है या फिर हमेशा खुद की तारीफ करते रहता है, ऐसे लोगों को भी अक्सर मूर्ख ही समझा जाता है, क्योंकि ये लोग किसी के ना बोलने पर भी हर जगह अपना ज्ञान देते रहते हैं या फिर अपनी सुंदरता का बखान करते हैं। ऐसे में भले ही आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो या आप कितने ही सुंदर क्यों ना हो, जब तक जरूरत ना हो बोले नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों अपनी नकारात्मक भावनाओं और वृत्तियों पर लगाम लगा कर रखें। आपकी रूढ़िवादी सोच और पुराने ख्याल आपकी प्रगति में रोड़ा बन सकते हैं, उसकी दिशा बदल सकते हैं और आपकी राह में आगे कई बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। आज के दिन आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, लेकिन इसके साथ ही आपको दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आप सभी पारिवारिक खर्चे और कर्जे दोनों खत्म करने में कामयाब रहे। आज प्यार की मदहोशी में हकीकत और फसाना मिलकर एक होते मालूम होंगे, इसीलिए इसे महसूस करें। इस राशि के उम्र दराज जातक आज के दिन अपने पुराने मित्रों से खाली समय में मिलने जा सकते हैं। यूं तो जीवन हमेशा कुछ नया और चौंकाने वाली चीज आपके सामने लाता है, लेकिन आज आप अपने जीवन साथी को एक अनोखा पहलू दिखा देंगे, जिससे वो खुशी से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वक्त कैसे गुजर जाता है इस बात का एहसास आज आपको अपने किसी पुराने मित्र से मिलकर हो सकता है। दोस्तों किसी भी असमंजस की स्थिति में किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। ध्यान रहे, हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते जाएं, अवश्य ही सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन अथवा विदेश जाने के लिए लोगों को कई संभावना नजर आ सकती है। दोस्तों रुपए पैसे के मामले में ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। कभी कभी आपका क्रोध और जल्दबाजी
आपके और आपके परिवार के लिए परेशानियां उत्पन्न कर देता है। माहौल नकारात्मक हो सकता है, इसलिए अपने व्यवहार को संयमित रखें। इस समय प्रॉपर्टी की खरीद फरोख संबंधी कोई भी निर्णय ना लें। बिजनेस संबंधी चुनौतियां बनी रहेंगी। प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े बिजनेस में नुकसान होने की आशंका। इस समय किसी भी प्रकार का व्यापारिक अनुबंध ना करें। दोस्तों, यदि आप खरीदारी के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप वही चीजें खरीदें जिनकी आपको जरूरत है। आज व्यर्थ चीजों पर पैसे खर्च ना करना ही बेहतर होगा। आप आर्थिक रूप से मजबूत रहने के लिए आज शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। आज किए जाने वाले निवेश से आप अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य के लिए भी इससे ज्यादा फायदा होगा। आज आप अपने पारिवारिक जीवन में अधिक समय बिताएंगे और मानसिक रूप से काफी सुकून महसूस करेंगे। आपसे छोटे आपको पुण्य सम्मान देंगे और बड़े आपसे स्नेह जताएंगे, जिसके कारण दोस्तों आप काफी खुश रहेंगे। साथ ही आपको बताएं, ध्यान रहे दोस्तों, यदि अकेले काम करेंगे तो आज स्पष्ट और असंभव सी लगने वाली मुसीबतों में फंस सकते हैं। टीम के रूप में काम करने पर ये बाधाएं परेशान नहीं करेंगी। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जो लोग प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए भी आज दिन अच्छा है। यदि आप अपने प्रेमी को शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं तो आज ही कर दें। इस राशि के जातक जो अभी तक सिंगल हैं, आज उनके दिल की धड़कनें तेज हो सकती है। आप अपने सपनों के राजकुमार या राजकुमारी से मिल सकते हैं। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी रिश्ते में जाने से पहले उतावलापन ना दिखाएं। यह अपने रिश्ते को मजबूत करने और घावों को भरने का समय है। ग्रह इस तरह से आपके पक्ष में है कि आपको यह एहसास होगा कि पुरानी बातों को भूलकर आगे की तरफ बढ़ना है और अपने पुराने रिश्ते और अपनी जिंदगी को और मजबूती देनी है। आपकी जो भी मुद्दे और शिकायतें थीं, उनका आपको एहसास होगा कि इनकी वजह से आपके रिश्तों में कितनी खटास आई है, जो कि अपनी जरूरत से ज्यादा उठाए थे। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और कैरियर की, तो दोस्तों कारोबारियों को आज के दिन अपने कर्मचारियों से बातें करनी चाहिए, क्योंकि काम करने वाले लोग आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि किन चीजों में सुधार करके मुनाफा कमाया जा सकता है। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के कई लोग आज के दिन कार्य क्षेत्र में थोड़े परेशान रह सकते हैं। आज के दिन आप घर के छोटे सदस्यों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।